हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड फोर्थ। सो प्रीवियस क्लास में हम इसकी मेंटल मैथ्स जो 5 तक है उसको कर चुके हैं। आज हम करेंगे मेंटल मैथ 6, विच इज़ पेज नंबर 130। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी यहाँ हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है इस टाइप से। तो देखिए, जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो पहले क्या करना होगा, हमें इसमें डिवाइड देना होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी डिवाइड दे सकते हैं और हम डिवाइडेड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 लिख लिया और 21 लिख लिया। अब 5 से 21 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 20। अब देखिए यहाँ जो 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर बचा, तो आंसर इसका क्या आएगा, यानी 5 से हमने कितनी बार दिया है, 4। तो सबसे पहले 4 लिख लो, उसके बाद जो रिमाइंडर है यानी 1 है हमारा, तो उसको ऊपर लिख लेंगे जो भी बचेगा यहाँ पर, और जिससे हम डिवाइडर जो है, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, यानी 5 हमारा नीचे आ जाएगा। इस टाइप से ये बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। बस बहुत सिंपल है, डिवाइड देकर इस टाइप से शो करना है। इसका मैं एक और बताती हूँ, जैसे 43/8 है, तो 8 से पहले 43 में डिवाइड दे लें, तो 8 5 40 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर बचे 3। तो देखिए 5 तो यहाँ लिख दिया जो हमारा आंसर आया है, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख देंगे और जो डिवाइडर है उसको नीचे लिख देंगे, यानी 8 को। सो ये बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये है हमारा सी। तो यहाँ 2 मैंने आपको बता दिए, इसके बाद आप बी डी और ई इसका सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बी, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। जो नीचे वाला नंबर है यानी जैसे 7 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे। यहाँ दिया हमें 4/7। तो देखिए पहले इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी 6 × 7, तो ये आ गया 42। अब 42 में प्लस कर दें ऊपर वाला 4, तो ये आ गया 46। तो यहाँ लिख देंगे हम 46/, और जो नीचे होता है वो वैसा ही उतार देंगे, तो ये आ गया 46/7। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी का एक और समझाती हूँ, जैसे हमारा डी वाला दिया है 5/6/19। सो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 × 19, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19/5 सा होता है हमारा 95। अब 95 में हम जो ऊपर वाला 6 है उसको प्लस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 101। तो यहाँ लिख देंगे 101 और अपॉन में जो होता है 19 का 19 ही उतार देंगे। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी का ए और डी, तो इस टाइप से हम कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, कंपेयर द फ्रैक्शन। तो देखिए किसी में भी कंपेयर करना हो तो क्या करना हो, जब भी ये जो नीचे वाले लाइक हो, यानी एक सेम ना हो, अलग अलग हो, तो उनको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 4 का मल्टीप्लाई हम 27 से कर देंगे और 21 का मल्टीप्लाई 5 से। तो यहाँ जैसे हमने लिख लिया, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, 21 को इधर लिखेंगे, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे इसमें, 5 का, और 27 यहाँ है तो इस साइड पर ही लिखेंगे, 27 मल्टीप्लाई किसका, 4 का। तो इस टाइप से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये आ गया 5 1 5 5 2 10, और ये आ गया 4 7 28, 2 4 2 8 और 2 10, तो ये आ गया 108, और ये आया है हमारा 105। तो कौन सा बड़ा है, 108, तो यानी हम इसकी साइड हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे इस टाइप से। तो ये बन जाएगा हमारा, सो इस टाइप से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे सी, देखिए यहाँ पे
इसमें एक तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है इस टाइप से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 5 3 15, 15 प्लस 2 किए तो 17/5, तो ये आ गया हमारा 17/5। आप देखिए 13 इस साइड पर लिख लेंगे, 17 इस साइड पर लिख लेंगे। 13 में किसका मल्टीप्लाई करना है हमें 5 का, और 17 में किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का। तो 13 5 से कितने होते हैं 65, और 17 3 51। तो देखिए कौन सा बड़ा है हमारा 65 बड़ा है, तो इसकी साइड हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। सो इस टाइप से ये हो गई हमारी मेंटल मैथ 6।